चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। इस समय आपका टाइम मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं, जो हुआ है वो है 7:25 हुआ है। 24 फरवरी है आज। आज इस समय तक किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के बारे में। मेरा जो गणित कहता है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कहता है, उसके अनुसार मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं, और वो ये है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त होने जा रहा है। ये केस आपको पता है, कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाला है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आएगा, और नहीं तो इसके बाबत अध्यादेश आएगा। और ये आप शुरू होता है समय 26 तारीख से, और ये 26 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में इसका जजमेंट आ सकता है। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भारत पाक के बीच कंफ्लिक्ट का समय भी यही दिया है, तो जो मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूं उसके अनुसार एक तो समय यह बनता है, और दूसरा समय जो बन रहा है वो बन रहा है 22 मार्च से और 18 अप्रैल तक। अगर ये स्थिति मान लो यहां नहीं हो पाती है कोर्ट से, तो इसका अध्यादेश लाया जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन 18 अप्रैल तक कश्मीर की जो आज स्थिति है वो नहीं रहेगी। 35A और 370 उसमें मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे। आप नोट कर लें इस बात को। आज मैं ये 7:27 पर आपके सामने बता रहा हूं, और अभी तक इस तरह की कोई कहीं पर किसी तरह की खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। लेकिन मेरी जो वैदिक ज्योतिष है, जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी और तरह के कैलकुलेशंस हैं, उसके आधार पर यह इंफ्रेंस निकल रहा है कि कश्मीर की अभी तक की जो स्पेशल स्टेटस है उसमें परिवर्तन का समय आ चुका है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बहुत कुछ ज्यादा नहीं देने वाला हूं, इतना ही बहुत है, पर्याप्त है। इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद या इस तरह के किसी भी एक्शन के बाद निश्चित तौर पे डिस्टरबेंसेज होंगे, और वो क्या होंगे, किस हद तक होंगे, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज ठीक नहीं होगी, किसी भी तरह से राष्ट्रहित में नहीं होगी। मैं केवल आपको वो बता रहा हूं जो बड़ा होने वाला है। इसलिए आप समय नोट कर लीजिए, और ये वीडियो भी मैं अभी ही नोट करने वाला हूं, इसी समय देखो कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि हां, अब 35A और 370 में मूलभूत परिवर्तन होने का वक्त आ चुका है। सबसे ज्यादा सूटेबल टाइम उसके लिए यही चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप हद से जितना चाहें उतना ज्यादा उतना शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है ये हमने जो बताया है आपको, तो इसको लाइक करिए। अभी नहीं करोगे तो आप कुछ दिनों बाद लाइक करोगे इस वीडियो को, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो घटित होने वाला है। तो इसलिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो मैं आपको शीघ्र देने वाला हूं। अब मैं जल्दी ही इलेक्शन 2019 के बारे में आपको बताऊंगा, कौन सी पार्टी
कितने सीटें लेगी, यहां तक बता सकता हूं मैं, बताऊंगा आपको कैलकुलेशन करके जैसे जैसे मेरे पास डिटेल आएंगे कंटेस्टेंट्स के, कि कौन कंटेस्टेंट कहां से विजित होने की स्थिति में है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये काफी हद तक मैं अपनी कैलकुलेशन से बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ओके, वी केयरफुल, क्योंकि समय ये बहुत ही टिपिकल चल रहा है। सभी लोग होशियार रहिए, राष्ट्र के साथ चलिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।